तो कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शराब घोटाले को लेकर डिप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अनिल विज की जांच पूरी होने तक इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश और दुनिया को कोरोना से लड़ रही थी, तब हरियाणा सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोग हरियाणा की जनता को बड़े बड़े घोटालों के जरिए लूट रहे थे। उन्होंने कहा कि एसीटी की रिपोर्ट के बाद घोटाले की परतें खुलती चली गई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज हरियाणा में प्रत्येक जिला स्तर पर जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है अलग अलग घोटालों को लेकर, क्या जो है कांग्रेस की मांग है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। हमारी मांग ये है कि तुरंत सरकार सिटिंग हाईकोर्ट के जज से शराब घोटाले की जांच के आदेश दे, क्योंकि सरकार की कोई भी एजेंसी वो जांच नहीं करेगी बल्कि घोटाले पे पर्दा डालने का काम करेगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि हरियाणा प्रदेश का नाम ऐसा कलंकित हुआ। हरियाणा प्रदेश के सत्ताधारी, जब पूरी देश पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, उस समय हरियाणा प्रदेश की सत्ता की उच्च पदों पर बैठे हुए चंद लोग हरियाणा की जनता को बड़े बड़े घोटालों के माध्यम से लूटने का काम कर रहे थे। चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाले की बात हो, चाहे धान घोटाले पे पर्दा डालने की बात हो, और अब जिस तरीके से एसीटी का गठन हुआ और एसीटी का जो सारा मामला सामने आया है, उससे एक एक करके परत सारी खुल गई हैं। केवल आबकारी महकमे के उच्च कुर्सियों पे बैठे हुए अफसरों को बलि का बकरा बनाने से काम नहीं चलेगा। सबको पता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े घोटालों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, तो कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण था इन घोटालों के पीछे। इसीलिए हमने आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में प्रदर्शन भी किया है और लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे जब तक इस बारे में सरकार साफ अपना जवाब नहीं देगी। पहले सरकार लगातार ये कह रही थी कि जो है कोई घोटाला नहीं हुआ, उसके बाद एसीटी की रिपोर्ट आती है शराब घोटाले को लेकर, उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज और जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके बीच में जो है विवाद भी देखने को मिलता है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो है इसमें तो हम क्या कहें, ये तो मुख्यमंत्री जी ही कह गए अपने उप मुख्यमंत्री जी के बारे में। मैं समझता हूँ कि ये स्पष्ट है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। कौन लोग इसमें शामिल थे, इस बात की तह तक तब जाया जा सकता है जब निष्पक्ष जांच हो। जैसे हमने उच्च स्तरीय जांच, एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की निगरानी की जांच की मांग करी है। दूसरा, इसकी तह तक तब जाया जा सकता है जब दोनों संबंधित मंत्री, जिनकी आपस में रस्साखिसी चल रही है कि किसका मंत्रालय ज़्यादा शामिल था इस घोटाले में, यानी कि गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, दोनों मंत्री इस्तीफा दें, आपके अपने पदों से हटें और जांच होने दें, तब तो कुछ सच्चाई की हम उम्मीद करेंगे। नहीं तो सच्चाई पे पर्दा जो है आप देख ही रहे, देश श्याम दाम दंडभेद की सरकार चल रही है, सारी जांच एजेंसियां सरकार की जेब में है, ऐसा समय आ गया है। तो नहीं तो हमें कोई सच्चाई की और निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं बनेगी जब तक ऐसा नहीं होगा। एक अंतिम प्रश्न और, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी कह रही है, जेजेपी कह रही है कि वही जो है कहीं ना कहीं ये बड़ौदा उपचुनाव जीतने वाले हैं, किस तरीके से इसको देखें? मैं समझता हूँ कि बड़ौदा उपचुनाव की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर से बड़ौदा का जो चुनाव है, जिस दिन उसका नतीजा आएगा वो प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा। जिस दिन बड़ौदा चुनाव का नतीजा आएगा, उसी दिन भाजपा जजपा की खट्टर सरकार की गिनती हरियाणा में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग तैयार बैठे हैं। सरकार ने जो बुरा हाल 6 वर्ष के अंदर हरियाणा का जो बुरा हाल किया, अभी जो लगभग 1 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, उस समय लोगों को एक भ्रम की स्थिति में रखा गया, 75 पार 80 पार, मीडिया के माध्यम से 83 और 85 सीटें दिखाई गई, और यही कारण था कि कांग्रेस और भाजपा में जो मात्र 4,500 वोट का फर्क रह गया पूरे प्रदेश में, 4-5 सीटों का जो है पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, मगर कुल मिलाकर जो कमी रही कांग्रेस और भाजपा में, जो अंतर रहा, उसका मुख्य कारण वो रहा, नहीं तो लोगों ने तो तब भी मन बना लिया था। अब 1 साल और बीत गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि बड़ौदा उपचुनाव हरियाणा में कांग्रेस ही जीतते हुए नजर आएगी। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।